हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदितास फैमिली। मेरे फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, कैसे हो सब? मुझे आप लोग ना कमेंट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सारे लोग कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। आपका जो कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए ना मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो है मेरे न्यू चैनल में आ रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन के साथ, ठीक है। तो आज ना मैं हेयर मास्क लगाई का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ कि वो कैसा है वो मास्क, वो जो DIY मास्क है हेयर मास्क, वो कैसा किस तरह का काम करता है, ठीक है। साथ में मेरा जो डेली रूटीन का ब्लॉग है वो भी रहेगा। तो मैं बात कर लेती हूँ, वो जो हेयर मास्क सुपर्ब हेयर मास्क है, आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही बालों सिल्की हो जाता है, शाइनी स्मूथ हो जाते हैं बाल, और हेयर फॉल में भी ना कंट्रोल आ जाते हैं। वो सोचोगे ना कि एक बार यूज़ कर लिए बस हो गया, नहीं, हफ्ता में एक बार आपको यूज़ करना ही है टाइम निकाल के, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और हाँ, वो जो मेथी दाना है ना, अच्छे से उसको पेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो चिपक जाएगा और छूटेगा नहीं, इसका आपको खास ध्यान रखना है, ठीक। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, आप देख सकते हैं। मेथी को मैं ओवरनाइट भिगा ली हूँ, बहुत अच्छी तरह से भीग गया है ये, तो इसको मैं फाइन पेस्ट करूँगी। और इसमें डालूँगी मैं दही, और ये उबला हुआ चावल है, इसका पानी भी आप ले सकते हैं। तो मैं उबला हुआ चावल ले ली ताकि पेस्ट जो है वो स्मूथ आएगा, और बहुत ही इफ़ेक्टिव और अच्छा है। और 2 स्पून के करीब मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल डालूँगी, और एलोवेरा जेल 1-2 स्पून के करीब डालूँगी। तो चलिए, ये सब मिला के मैं एक फाइन पेस्ट बना लूँगी, उसके बाद हेयर पे अप्लाई करूँगी। जैसे कि देख लिया, मैं यहाँ पे बहुत ही थिक जो मास्क है हेयर मास्क बना के रखी हूँ, ताकि नीचे गिरे नहीं, बाल से ऐसे बह नहीं जाए, अच्छे से स्टेबल होके रहे और बालों को अच्छा पोषण मिले। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपको एक ही यूज़ में आपको पता चल जाएगा ये कितना अच्छा इफ़ेक्टिव है। हाँ, थोड़ा सा झंझट है, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जैसे कि हम सुबह नहाने से पहले घर का काम तो करते ही हैं सारे औरत, तो उससे पहले ये सारे मिक्स करके आप बना दो, फिर हेयर मास्क लगा लो, फिर अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-1.5 घंटा हम रखेंगे, फिर उसको एक अच्छा से शैम्पू से धो देंगे, और इसके बाद आप देखिएगा बालों का क्वालिटी कैसे हुआ है, ठीक है। तो चलिए फटाफट अप्लाई कर देते हैं, रूट्स से टिप तक मैं अप्लाई करूँगी, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अच्छे से पैक में लगा दी हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लगा दी हूँ। इसको मैं 1-1.5 घंटा के लिए रखूँगी, अच्छे से थोड़ा सा ड्राई हो जाए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करने वाली, लेकिन जब निकालूँगी ना तब बहुत मेहनत लगेगा। 1 घंटा तो मैं रखूँगी ही, उसके बाद उसको अच्छे से एक माइल्ड शैम्पू से धो लूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और आपको दिखाऊँगी बाल का जो टेक्सचर है कैसा है, बहुत ही स्मूथ शाइनी सिल्की हो जाते हैं, आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है हमारे से। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, ऐसे ही हेयर कट ट्रिप्स और डेली ब्लॉगिंग देखने के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और मैं ना चोटी बना दूँगी, नहीं तो ना बाल उलझ जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। जितना हम बालों का केयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, अगर उलझ जाएंगे ना फिर टूटना तो तय है। फिर ना मैं आज डिनर बनाऊंगी, डिनर में मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज, वो भी हेल्दी वे में बनाऊंगी। आप लोग जरूर जुड़े रहिए और वीडियो को ना फर्स्ट से लास्ट तक देखने की कोशिश करें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डिशेस और यूजफुल वीडियो में देने की कोशिश करती हूँ। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। मेरा चोटी बन गया है, तो फ्रेंड्स अभी मैं हैंकी टक करूंगी। ये रहा मैरून कलर का हैंकी विथ ब्लू साड़ी, तो चलिए फटाफट हैंकी टक कर लेते हैं, फिर डिनर भी बनाना है। मिक्स वेज जैसे बोला कि हेल्दी वे में बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं सब्जी काट ली हूँ, गोभी, गाजर, कैप्सिकम, बीन्स, कद्दू, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा छोटा सा, बस इतना ही। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, 2 से 3 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और उसका जो पानी है ना उसको भी नहीं फेंकेंगे हम, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स उसी में ही होगा, तो इसलिए उसको हम मसाला में इस्तेमाल कर लेंगे। मसाला में भी हमको पानी चाहिए होता है, तो उसको हम मसाला में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट ऑलरेडी हो चुका है हाई फ्लेम पे, हम जैसे कि बोली वेजिटेबल्स को हम ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरा जो मसाला मैं फ्राई कर रही हूँ, साथ में रोटी भी बेल ले रही हूँ, प्याज यहाँ पे गोल्डन अच्छे से हो चुका है। तो ये जो आप पेस्ट देख रहे हैं ना, ये टमाटर का जो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर ली हूँ। अच्छे से फ्राई करूँगी 5 से 7 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे। देन मैं ना उसमें जितना पाउडर मसाला है उसमें उतना पाउडर मसाला डाल दूँगी, जितना
लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और धनिया का पाउडर, वो सारा अच्छे से फ्राई होने के बाद वेजिटेबल्स डाल के उसका लो मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी मसाला के साथ। और साथ में दूसरे साइड में रोटी भी सेक लेती हूँ, क्योंकि दो गैस यूज़ करने से ना फटाफट काम हो जाते हैं। इधर सब्जी भी बनना है, उधर रोटी भी हम सेक लेंगे, ठीक है। और हाँ, एंड में ना मैं दूध और मलाई, फ्रेश वाला मलाई और दूध, वो भी डालने वाली हूँ। और ये हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, गरम मसाला, और बिना पनीर का तो हमारा मिक्स वेज एंड ही नहीं होता है। और ये क्रीम, फेस क्रीम डाल दी, और धनिया का पत्ता। तो ये देखिए हमारा सुपर डिलीशियस मिक्स वेज बनके तैयार हो गया है। इजी वे में बनाई हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। हमारा सुपर डिलीशियस लंच, सॉरी डिनर बनके तैयार हो गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी न्यू है मेरे चैनल में, न्यू आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव एंड गुड नाइट।